मंडी स्थित वल्लभ महाविद्यालय में एनएसयूआई ने कॉलेज की स्थानीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इसमें विकास वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष मंडी, ने बताया कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में मंडी वल्लभ महाविद्यालय का भवन आईआईटी को 3 साल के लिए दिया गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं हो पाया है और साथ ही रूसा को लेकर भी धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि कॉलेज कैंपस के अंदर एटीएम का लगना बहुत ही अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि एटीएम पुलिस कॉलोनी के पास लगे हैं, लेकिन महीने में 20 दिन तो वो खराब ही रहते हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष विकास वर्मा ने बताया कि एनएसयूआई की विचारधारा है कि पढ़ो और पढ़ने दो, और साथ ही बताया कि एनएसयूआई ने कॉलेज कैंपस में पढ़ाई के माहौल को काफ़ी हद तक सुधारा है। वर्कर्स ने, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बात को सहा नहीं और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की और लड़ाई लड़ी। इसका परिणाम आज ये है कि माहौल यहाँ हमारी तरफ है और हम इसको मांग करते हैं कि आईआईटी की बिल्डिंग हमें वापस दी जाए और एटीएम यहाँ पे 5000 की स्ट्रेंथ रखता है मंडी कॉलेज। इसके बाहर जितना यहाँ बस स्टैंड के साथ पीएनबी का एटीएम है, स्टेट बैंक का है, लेकिन कई सालों से खराब ही पड़े हुए होते हैं। यहाँ अगर अपना एटीएम कार्ड डाला जाए तो जवाब इनका कुछ नहीं होता। तो इस एटीएम का फ़ायदा क्या? हमारा मानना यह है कि 5000-4000 की स्ट्रेंथ मंडी कॉलेज रखता है तो एटीएम अपना यहाँ एक अपना ही होना चाहिए। और जो मेन बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ गुंडागर्दी का पहले माहौल हुआ करता था, जैसे हमारी एससीए 2013 में बनी तो आप देख सकते हैं कि माहौल कितना चेंज हुआ। यहाँ पे पढ़ो और पढ़ने दो हमारी विचारधारा है, उसी के तहत पूरा कॉलेज का जो माहौल है बना हुआ है। लेकिन इससे पहले जितनी एससीए रही यहाँ पे गुंडागर्दी का माहौल हुआ करता था और पढ़ाई का कोई माहौल नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था पढ़ाई के मामले में की और एक अच्छा वातावरण जो है स्टूडेंट्स को दिया। वहीं एनएसयूआई की विचारधारा का खंडन करते हुए कमलेश कुमार, एबीवीपी इकाई अध्यक्ष मंडी, ने बताया कि अभी तक एनएसयूआई ने रूसा के खिलाफ कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं दिया है और साथ ही बताया कि जितने भी कार्य कॉलेज कैंपस में होते हैं वे छात्रों के फंड से बनता है। और साथ ही बताया कि जिम की ओपनिंग तो हो गई है लेकिन आज दिन तक शुरू नहीं किया गया है। और साथ ही बताया कि एटीएम तो बहुत दूर की बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ भी आज वो अपनी उपलब्धियाँ बता रहे हैं, मगर आज उनकी सीएसए ने यहाँ पर पूरे कैंपस में एक ऐसा भी काम, कोई भी काम नहीं है जो उन्होंने करवाया हो। आज वो कहते हैं कि हमने ये रास्ता बनवाया, रास्ते की मैं एक बात बनाऊंगा, जो भी ये रास्ता बनता है ये कॉलेज के जो स्टूडेंट आते हैं उनके फंड से बनता है और स्थानीय मांगे जो बहुत ही कम देखा गया है, जो अपनी मांगे बता रहे हैं। मांगों का तो ऐसा है कि सबसे जब से इनकी सीएससी बनी है तब से लेकर इनका आज ये शायद पहला धरना होगा जिसमें इलेक्शन के टाइम बच्चों को बता रहे हैं कि हम भी कॉलेज में अग्रसर हैं और हम स्टूडेंट के खातिर जो हैं यहाँ पर कार्य करते हैं। लेकिन ऐसा इनके जो आज पूरे प्रदेश भर में जो रूसा सिस्टम के लिए जो इनके ही जो सर आँखों पर रखते हैं राजा जी, उनके द्वारा ही यहाँ पर जो रूसा सिस्टम पूरे हिमाचल प्रदेश में लगाया गया। और रही बात जो इनकी सीएससी की उपलब्धियाँ बताते हैं कि आज हम इन्होंने जिम का निर्माण कर लिया, आज जो है महाविद्यालय में एटीएम का एटीएम है, लेकिन ना ही जब से जिम की ओपनिंग हुई है ना तब से जिम खुला है और ना ही इस कैंपस में जो है यहाँ पे एटीएम में कहीं दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी।